गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सीमा खन्ना। और ये देखिए आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है और अभी इवनिंग के 4:30 हो रहे हैं। बस मैं अभी कुछ वीडियो बना रही थी तो बस उसके लिए रेडी हुई थी, तो बस मैंने बोला व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग से मैंने कुछ भी नहीं किया। और कैसा लग रहा है ये साड़ी मेरा बताना, और कलर कैसा लग रहा है, और ये साथ में ये चैन डाला है कुछ नहीं, ईयर रिंग तो बस जो पहने हुए हैं गोल्ड के बस वही डाली हुई हूँ, ईयर रिंग चेंज नहीं किया। एक ये नोज़ रिंग है ये पहना है साथ में, नोज़ मेरा क्योंकि नोज़ में नोज़ पियर्सिंग नहीं है तो मैं वो वाला दबाने वाला प्रेस करने वाला जो होता है वो मैं प्रेस करने वाला वो यूज़ करती हूँ कभी कभी जब शौक लगता है तो। तो बस मैं अभी वीडियो स्टार्ट की हूँ तो अभी पीहू को लग गई है भूख, तो जा रही हूँ किचन में अभी चेंज कर और किचन में जाकर बनाऊंगी चाय। पीहू को डिप करके टोस्ट खाना है तो जाती हूँ, और अंकित जी रहते थे ना तो वो खिला देते थे, अभी चाय बनाऊंगी बट वो चाय जो बच जाए तो मैं तो पीती नहीं हूँ, अंकित जी आएंगे तो फिर वो पी लेंगे इवनिंग में। तो चलिए चलती हूँ मैं किचन में चेंज कर और फिर मिलती हूँ आपको। मैंने चेंज कर लिया और मेकअप वगैरह भी उतारूंगी, पीहू को बहुत जोर की भूख लग गई थी तो मेकअप मैं बोली बाद में उतारूं। और ये देखिए पीहू के लिए फटाफट मैंने चाय बनाया, ये देखिए चाय, ये मेरा पानी है और ये है पीहू का टोस्ट। तो चलिए चलते हैं और पीहू को मैं खिला देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और शाम को क्या करना है इवनिंग का अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो देखते हैं क्या करते हैं, खाने में क्या बनाऊँगी मैं इवनिंग में फिर दिखाती हूँ। पीहू को मैंने रेडी कर दिया है और अभी अंकित जी का फोन आ गया था तो अंकित जी बस आ रहे हैं तो कुछ बन, हाँ खेलना खेलना। अभी पीहू को भी रेडी कर दिया, इधर आओ, मैं अभी जा सकती हूँ, इधर देखो, ये देखो पीहू रेडी हो गई है। मैं झूठ लग रही हूँ, सब लोग बोल रहे हैं हाय हाय हाय, मैं आई तो नानी क्या, हाँ सब अभी तुमको बुला रहे, चलो जाओ आप खेल लो, ठीक है रुको मम्मा चल रही है। कौन सा रिंग? ये तो रिंग नानी ने दिया है पीहू को, है ना, चलो ठीक है चलते हैं। और खेलूं क्या? जा रही हूँ पति के लिए पराठे सेकने, और पापा को भूख लग रही है, हाँ आज टिफिन नहीं ले रहे थे सुबह तो बस फटाफट जा रही हूँ मैं खाना बनाने, मतलब पराठे सेकने, खाना बना हुआ है, करेले आलू का भुर्जी बनाया था मैंने तो सेकती हूँ फिर मिलती हूँ। क्या जतिन को भी बुला लो, जा जतिन को भी, ये देखिए खाना पीना अंकित जी का हो गया था, पीहू भी जो खाना था स्नैक्स वगैरह वो खा ली थी। तो फिर मेरे बर्तन इतने निकलते हैं थोड़े थोड़े देर में तो मैं ना फटाफट साथ के साथ ही धो लेती हूँ ताकि बर्तन ज़्यादा ना हो, फिर रात का बर्तन रात को ही धोऊंगी, तो बस काम निपटा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना इवनिंग के बाद से कोई वीडियो नहीं कंटिन्यू की, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है, मायके से फ़ोन आया था और फ़ोन में जो बातें हुई वो सुनकर मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं आगे कंटिन्यू करूं वीडियो को। तो फाइनली अभी खाना पीना निपट गया है और थोड़ा जा रहे हैं, देखिए आप टाइम देख लीजिए अभी हो रहे हैं 10:15 हो रहे हैं, तो बस हम थोड़ा सा वॉक लेकर आएंगे सामने पार्क में, कॉलोनी के पार्क में, फिर उसके बाद बैठकर मैं बताती हूँ मेरा मूड क्यों ऑफ है। हम लोग जा रहे गाइस, हम लोग पार्क में वॉक करने जा रहे हैं। पापा के साथ रनिंग रनिंग कर रही है क्या? बहुत ज़्यादा वहाँ कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं पॉजिटिव, इवन हमारे बहुत से नेबर
है जो पॉजिटिव हो गया है, मुझे वो सुनकर बहुत डर लगा। पीयू जिन बच्चों के साथ खेलती थी उनके यहाँ भी पॉजिटिव हो गए, और कुछ तो ऐसा मुझे डर लग गया कि एक हमारी नेबर थी वहाँ मायके में, वो हमारे घर आई थी और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है कोरोना से। तो थोड़ा सा सुनकर मन में तो लगता ही ना कि हमारे घर में भी होली के दो दिन पहले वो आई थी हमारे यहाँ, बैठ के गई, उनकी बेबी थी, वो पीहू के साथ खेली और काफ़ी देर वो साथ में थे, वो लोग खेल रहे थे, काफ़ी 3-4 घंटे टाइम बिताए। तो थोड़ा सा मन में ना बहुत डर लग गया सुनकर ही कि इतना ज़्यादा सीरियस है कि पूछो मत, हालत ख़राब है, एडमिट है, वो मम्मी पापा दोनों एडमिट है और बच्ची घर पे है। तो ये सुनकर थोड़ा सा मन में अच्छा भी नहीं लग रहा है उसके लिए। तो ये मन और पूरा मूड ऑफ हो गया ये पूरा सुन सुनकर न्यूज़। मतलब मैं जिस जगह रहती हूँ उसमें 3-4 घर छोड़कर पीछे की सारी लाइनें जितनी हैं सब पॉजिटिव हो गए। तो सुन सुनकर माइंड में बस यही लग रहा है कि वहाँ का क्या हाल होगा। मतलब धुलाई दुर्ग में आप तो न्यूज़ तो देख ही रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। न्यूज़ में वैसे उतना ज़्यादा वो नहीं दिखा रहा है जितना ज़्यादा वहाँ पे केसेस है। वो तो सोचिए कि हम सही टाइम पे आ गए, यहाँ पे आगरा आ गए और बस एक दिन का देरी था, एक दिन का, सिर्फ एक दिन के अगर हम लेट हो जाते ना निकलने के लिए वहाँ से तो बहुत बुरा हाल था। सच बता रही हूँ, मैं जब वहाँ से आ रही थी जर्नी करने के लिए, जब हम ट्रेन में चढ़ने वाले थे ना, बहुत डर लग रहा था कैसे होगा, कैसे आएंगे, कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि उस समय भी ना काफ़ी ज़्यादा हो चुका था कोरोना वाला जो था सीन, बहुत ज़्यादा था। तो वो सब सुन सुनकर माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। सच बता रही हूँ, मेरी मम्मी तो मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। होली के 2 दिन पहले से हमारे घर में ना, मैं जब आने वाली थी ना, तो 2 दिन पहले से बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल था। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंस थी और उनको देख देख कर मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। वो तो कह रही थी कि अंकित जी को मना कर देते हैं, अभी तुम मत जाओ, ऐसा है। बट अच्छा हुआ, जो भी होता है उन्होंने ऐसा बोला था, बट हमने बोला नहीं, हम चले जाएंगे, सेफली चले जाएंगे। अगर मैं नहीं आती यहाँ पे तो मैं फंस जाती वहाँ पे। पीयू को लेकर मुझे बहुत डर हो गया था, तो मैंने बोला था कि हम निकल जाएंगे जैसे भी, और जो भी है टचवुड हम अच्छे से आ गए। और उसके बाद से सिर्फ वहाँ पे बहुत ही बुरे बुरे न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं कोरोना रिगार्डिंग। तो सुन सुनकर है ना दिल एकदम ज़्यादा घबरा रहा है। बस ये है कि भगवान सबको सेफ रखे। ये पता नहीं कैसी बीमारी है जिसमें कुछ पता नहीं चलता, कोई सोर्स का पता नहीं है कि आपको ये चीज़ कहाँ से हुई है, कहाँ से नहीं हुई है, और बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये सोचिए लास्ट ईयर से भी ज़्यादा बदतर हाल हो गया है, जबकि लास्ट ईयर वहाँ पे छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि इस बार है। मुझे तो ऐसा फील होता है जैसे एयर में ही पूरा फैल गया है। लोगों को कैसे इतना ज़्यादा हो रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, आई डोंट नो। बट अब तो वहाँ पे सोच कर ही मुझे डर लग रहा है। मतलब हर दूसरा घर जो है मिलेगा आपको वहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। तो बहुत बुरा हाल है छत्तीसगढ़ का, और देखिए सरकार वहाँ पे क्या करती है क्या नहीं करती है। वैक्सीन लगने के बाद भी लोग वहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं। मेरी मम्मी ने खुद भी वैक्सीन लगाया, अभी 2 दिन पहले मेरी मम्मी वैक्सीन लगा कर आई हैं। तो थोड़ा सा डर रहता है वैक्सीन लगाने के बाद, वैसे भी प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ता है, और सेकेंड वैक्सीन जो है उसका 45 डेज बाद लगेगा। बट ये है कि थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल था, तो इसलिए इवनिंग से जो कॉल आना शुरू हुआ मम्मी का, तो भाई से मम्मी से बात हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा ये टेंस वाला माहौल था जिसके कारण माइंड पूरा अपसेट हो गया था। तो अभी भी वॉक कर आया, थोड़ा चेंज हुआ मूड, और अब सोते हैं। फिर कल मिलूंगी मैं आपको, ये वीडियो कल कंटिन्यू करूंगी। तो अभी तो फ़िलहाल सोते हैं, लेट हो गया है, 11 बजने वाला है। तो गुड नाइट, और कल अच्छे मूड से मिलती हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, और मैं रेडी हो गई हूँ, सुबह के 5:30 हो रहे हैं, और मैं जा रही हूँ वॉक पे पार्क अगेन। आपने रात को जो पार्क देखा वहीं हम जाते हैं। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, अंकित जी और पीयू सो रहे हैं, तो बस वॉक के लिए रेडी हूँ, शूज़ पहनूंगी और निकलूंगी। तो चलिए देखते हैं बाहर का व्यू।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मॉर्निंग का व्यू और मैं निकल पड़ी हूँ मॉर्निंग वॉक पे। और जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट 2 महीने मैंने मायके में खूब मज़े किए, खूब खाया पिया दबा के, खूब बाहर आउटिंग की, और वो आउटिंग जो था वो बॉडी में फैट के रूप में आ ही गया था। तो अब मायके से जब वापस आई मुझे फील हुआ, मुझे वैसे फील वहीं हो रहा था, बट अब मुझे जब फील हुआ कि अब मुझे नहीं, अब वापस से पुराने बॉडी शेप में आना है, तो मैं विद इन 5 डेज़ मैंने 1 से 1.5 इंच कम कर लिया है। और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ये सब चीज़ के लिए, और बट ये चीज़ है कि अगर आप सोचते हो कि मुझे करना ही है कम, तो वाकई में हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि कैसे 1 वीक में आप 1 से 1.5 इंच या 2 इंच कम कर सकते हो, ताकि और भी लोग जो हैं जो चाहते हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिले। और कौन कौन ये इस टाइप की वीडियो मेरी देखना चाहता है उस पर भी आप कमेंट्स कर देना मुझे, तो मैं और भी अच्छा लगेगा मुझे कि आप वाकई में देखना चाहते हो, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो बस मेरा ये था कि मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया है, 0.5 से 1 इंच और मुझे कम करना है बस, फिर मेरा जो है वापस पुराने बॉडी शेप में मैं फिर से आने वाली हूँ। चेंज कर कर फटाफट मैं आ गई किचन में, क्योंकि अंकित जी को निकलना है जल्दी, 9 बजे से पहले ही शायद चले जाएंगे। तो फटाफट क्या बनाऊँ, तो किचन मैंने क्लीन किया पूरा अभी पूरा, और फिर अब मैं लौकी काटी हूँ, और ये चॉपर में मैंने चॉप किया है प्याज अदरक लहसुन टमाटर को, और लौकी वाली दाल बनाने वाली हूँ। तो चलिए लौकी वाली दाल बना लूँ आज, यही है ब्रेकफास्ट। ये देखिए दाल जो है रेडी हो गई है, और ये दाल है ना पीहो को बहुत पसंद है, बस इसमें धनिया डालने का काम बचा है मेरा, धनिया काट कर मैंने रख दिया है, अब बस धनिया डालूंगी। और ये इतनी थिक दाल रोटी से खाओ चावल से खाओ बहुत मज़ा आ जाता है। गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट्स कर जरूर बताना, और इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करूंगी, क्योंकि आगे का और रूटीन अगर मैं शेयर करी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आजकल मेरा वैसे ही हो रहा है, इवनिंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक चलता है, क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा काम रहते हैं तो सुबह नहीं स्टार्ट कर पाती हूँ। बट अपने तरफ से मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छा सा अच्छा ब्लॉग बना पाऊँ आपके लिए। तो कमेंट्स करिएगा कैसा लग रहा है, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो भी मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशन से भी मुझे बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाता है कि मुझे और किस टाइप का काम करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ज़्यादा बातें अब नहीं करूँगी, और जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर।